नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं भारत रुख करेंगे देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बांग्लादेश सीमा पर कूचबिहार जिले में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू जमा हो गए हैं। लोग घुटने तक पानी में खड़े हुए हैं और भारत में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेशी हिंदू BSF की कई बटालियन उनको बचाने के लिए वहां पर तैनात है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। हिंदुओं को बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजा की चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की चिंता नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर राहुल गांधी क्यों चुप हैं? उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं की? अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में आज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें लबालब हैं। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच मौसम विभाग IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली के कंझावला, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक, इंडिया गेट, सदरजंग और लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम और साथ ही आरके पुरम, डिफेंस कॉलोनी, राजपथ नगर समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्होंने मर्यादित आचरण की नसीहत दी है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट और उनके कार्यकर्ताओं ने रामबाग चौराहे पर बांग्लादेश का पुतला फूंका। संजय जाट ने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर हम देश के प्रधानमंत्री से कहा कि शेख हसीना सुरक्षित नहीं है। खबर अयोध्या से है, जहां तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के तहत हिंदू जनमानस और साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से सैकड़ों की तादाद में संतों का जत्था सड़क पर आ गया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। वहीं इस मामले पर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत नहीं रोका गया तो बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या के साथ यहां पर भी वही हाल किया जाएगा। इसके विरोध में बांग्लादेशी होश में आओ, नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे। निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर तीनों अखाड़े साथ में है BHP के, और मैं आह्वान करता हूँ देश के साधु संतों के
मामूनाकारों को रोड पे आए, मुंह तोड़ जवाब दे कि जिस प्रकार से वहां पे हिंदुओं को मारा। बांदा के एमबीबीएस छात्र ने दरवाजे पर दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। एसएसपी ने बताया है कि मृतक के परिजनों ने साथ में रह रही युवती और एक युवक पर हत्या का आरोप भी लगाया है। बता दें कि मेरठ के रजपुरा गांव निवासी रोहन सिंह दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके साथ में पीलीभीत के बिसलपुरा गांव की रहने वाली आकांक्षा भी साथ में रहती थी। रोहन और आकांक्षा अपने गांव से आए थे। रात को रोहन ने दरवाजे में दुपट्टा से फांसी लगा लिया। ये आज एक सूचना मिली कि एक छात्र का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक लड़का जिसका नाम रोहन कुमार था, उम्र करीब 25 वर्ष थी, एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र था। इसके माता पिता आ गए हैं और अपना पोस्टमार्टम बाद शव लेकर गए हैं। उन्होंने एक तहरीर दी है जिसमें एक लड़के और एक लड़की जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट कुमार मेरठ संगानगर। मैं सुबह 3:38 को फ़ोन आया था संख्या का, फिर उनके पढ़ते पढ़ते बीपी लो हो गया, डिप्रेशन में चला गया, आप जल्दी आ जाओ। मैं ठीक है, मैंने कहा तुरंत 100 नंबर फ़ोन कर और एम्बुलेंस को फ़ोन कर, और बस उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गया। वहाँ का पता चला कि मोर्चरी में लड़का, मेरा विनय कुमार नाम है। यही जानकारी मिली, इनके पास फोन आया कि ऐसे उसको जो पेपर की वजह से डिप्रेशन है और वो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका बीपी लो हो गया। हम यहाँ पहुँचे, हमने एक दो से फोन करवाया, तो ये जब तक जो है इमरजेंसी लेकर पहुँचे ना तब तक वो डेड था। ये सब ड्रामा कर रही थी ये लड़की, एक आकांक्षा और एक धर्मबंद प्रताप सिंह और दो तीन और हैं जिन्होंने बढ़िया करके पिटाई करी उसकी। उसके गले पे तार से रस्सी से गला घोटने के निशान है, पैरों के अंगूठे तोड़के हथौड़े से ईंट है और यहाँ भी चक्कू टाइप का लगा हुआ है, दो तीन जगह और मर्डर लगता है 100%। पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर के स्वच्छ सारथी क्लब ने स्वच्छ पाठशाला कार्यक्रम के आयोजन में साथ दिया है। पंचायत मधौन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में अधिकारी ब्रज किशोर और डीपीएम और एबीएम अभिषेक खेर ने भाग लिया है। अधिकारियों ने सब प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, डीपीएम साहब, हमारे इस सुंदर विद्यालय के समस्त स्टाफ, हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी और अन्य आए हुए गणमान्य और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वच्छता के बारे में आपको विद्यालय में बताया जाता होगा। जब प्रेयर होती है तब आपके सर मैडम जो भी हैं तो आपके नाखून, आपके बाल। खबर बरेली से है, जहां सगी मां के रहते पिता के दूसरी शादी कर लेने पर सौतेली मां के व्यवहार से परेशान होकर साइको किलर बने आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि उसे जून 2023 से जुलाई 2024 तक आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की हत्या की गई है। कि इसकी एक जनरल छवि यह है कि यह शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन, सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरे रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पर चलते हैं, हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो। शताब्दी महोत्सव का आयोजन करके शहीदों को याद किया गया है। गोंडा के टाउन हॉल में ककोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव में आयुष विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पहुंचकर शोभा बढ़ाई है और मंत्री ने शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि काकोरी कांड के नायक लाहिड़ी को इसी जेल में फांसी दी गई थी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मंत्री गांधी पार्क पहुंचे हैं और टाउन हॉल में महोत्सव में शामिल हुए।
जहां उनका स्वागत किया गया और देशभक्ति से भरे कार्यक्रम के साथ इसका आयोजन किया गया है। काकोरी कांड का शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनाने का निर्णय किया है। आज काकोरी, चूंकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, काकोरी लखनऊ के पहले पड़ने वाला एक स्टेशन है, जहां पे कि उस ट्रेन को एट डाउन ट्रेन को जिसमें से सरकारी खजाना लूटा गया था, हमारे आज़ादी के दीवाने मतवाले तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर क्रांति की इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए, अपने पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। सहरसा में आज सदर थाना में यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज खुशी हो रही है कि सहरसा जिला ईआरवी जो डायल 112 है, उसके एवरेज रिस्पांस टाइम में लगातार पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर चल रहा है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मिनट 22 सेकेंड में किसी की घटना पूरा ना हो रहा है, और जो अपने आप में एक अच्छी बात है और एक रिकॉर्ड भी है। पिछले हम लोग थोड़ा बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन सभी ईआरएफ कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं। आज ये बात बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सहरसा जिला ईआरवी जो डायल 112 है, उसके एवरेज रिस्पांस टाइम में लगातार पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर चल रहा है। और आज का यदि आप रिपोर्ट देखें तो 8 मिनट 22 सेकेंड में हम लोग किसी भी घटना को औसतन जो है वो पूरा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है और एक रिकॉर्ड भी है। पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे चल रहे थे, सभी जो ईआरवी के कर्मी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है, और अभी हम लोग लगातार दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। आज ये बात बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सहरसा जिला ईआरवी जो डायल 112 है। खबर सासाराम से है। सासाराम के योग की ट्रेनिंग ले रहे 30 बच्चे राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेने छपरा के लिए रवाना हो गए। कल से शुरू होने वाले राजकीय स्तर योग प्रतियोगिता में रोहतास जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छपरा में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोहतास जिले से 30 बच्चे भाग ले रहे हैं। साथ में 4 योग प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। योग को लेकर जागरूकता को देखते हुए इस तरह के आयोजन से बच्चों में योग के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। योगासन कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम लोग योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टेट लेवल खेलने जा रही है। रोहतास का टीम है और यहाँ हम लोग 30-25 लोग जा रहे हैं रोहतास से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजगिरी कुमार पड़ेगा। स्टेट लेवल योगा चैंपियनशिप यहाँ से रोहतास जिला से हम लोग जा रहे हैं, जो कि अभी 30 बच्चा है, 4 कोच हैं यहाँ से, यही बात है। स्टेट लेवल छपरा में है, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये चैंपियनशिप होने वाला है। पूरे ऑल ओवर बिहार का, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे हम लोग अपने जिला से 30 बच्चा बोझ हैं, और ये मैंने बच्चा गर्ल्स बॉयज बोथ हैं, अब तक 4 कोच हैं, पूरे 30 हो गए। खबर बरेली से है, जहां मेडिकल स्टोरों पर नशे के इंजेक्शन और अन्य अवैध दवाइयां बेचे जाने की शिकायत पर औषधि निरीक्षक राजेश कुमार और अनामिका अंकुर जैन ने टीम के साथ छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 3 संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेज दिया है। वहीं मेडिकल स्टोर पर जिन दवाओं के बिल नहीं दिखाए गए, उनकी बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि औषधि विभाग द्वारा छापे मारे जाने की जानकारी लगते ही कई मेडिकल स्टोरों के शटर गिर गए। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।